नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर पटना से है। पटना के मेदांता हॉस्पिटल में सफल किडनी इन्फेक्शन का इलाज हुआ, जिससे नेफ्रोलॉजी विभाग की पूरी टीम में खुशी का माहौल है। जिस अजीत कुमार यादव को दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों ने किडनी इन्फेक्शन बताकर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी, उसी अजीत का नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर सूरज और डॉक्टर अभिषेक की टीम ने बिना ट्रांसप्लांट किए सफल इलाज किया है। अब अजीत पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि वो किडनी इन्फेक्शन का इलाज कराने दिल्ली गए थे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने सीधा ट्रांसप्लांट की सलाह दी, जिसके बाद वो वापस पटना लौट आए। फिर परिजनों की सलाह पर पटना मेदांता में चेक कराने आए। जिस पे वो इलाज कराने आए उस समय बुखार और लूज मोशन से ग्रसित थे, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद पूर्व में ट्रांसप्लांट होने के चलते नेफ्रोलॉजी विभाग में रखा गया। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज शुरू किया गया और आज अजीत ने बताया कि वे पूरी तरह से स्वस्थ है। बता दें कि इसके लिए अजीत कुमार यादव और उनके परिजनों ने पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया।